आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अपर्णा यादव से। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या अपर्णा यादव का मन भाजपा में नहीं लग रहा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है या इस तरह के सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह का सवाल खड़ा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव का इस्तेमाल किया। उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में जमीन पर उतारा जरूर, प्रचार प्रसार के लिए उतारा जरूर, लेकिन कोई बड़ी जगह नहीं दी, कोई बड़ी उन्हें उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। और इन सब के बीच में ये देखा जा रहा है कि जो अभी के हालात हैं, जो अभी की तस्वीर है, वो ये जाहिर तौर पर इशारा कर रही है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव की जो वापसी है वो समाजवादी पार्टी में होगी। दरअसल डिंपल यादव के साथ अपर्णा की बढ़ती नजदीकियां ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की अंदर सियासी हलचलों को मचा रखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अपर्णा यादव को लेकर खुलकर चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि क्या अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है? क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में किसी बड़ी जगह को संभाल सकती हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो है कि अपर्णा यादव ने कई बार अपने नाम को आगे रखने की कोशिश की, यानी कि उन्हें या आजमगढ़ से टिकट दिया जाए। देखिए, आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे, उस वक्त टिकट नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा रामपुर की बात कर लें, वहाँ पर उनका नहीं देखने को मिला। गोला गोकर्णा जैसी सीट पर खड़ा नहीं किया जाता है। मैनपुरी से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उन्हें ये लग रहा था कि मैनपुरी से उनको उतारा जाएगा, लेकिन रघुराज शाक्य को उतार कर भाजपा ने बड़ी गलती कर दी। अब अपर्णा यादव को भी ऐसा लग रहा है, अपर्णा यादव को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वाकई बहुत बड़ी गलती जो है हो गई। अपर्णा यादव को भी इस तरह का एहसास हो रहा है कि भाई जो मौजूदा समय के हालात हैं या जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं, वो ये जाहिर तौर पर दिखाती हैं कि कितना बड़ा फर्क आज दिखाई दे रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आना क्यों चाहती है। मैनपुरी जो जीती है समाजवादी पार्टी, इसके बाद एक नई पटकथा समाजवादी पार्टी लिख रही है। मैनपुरी से चुनावी जीत के बाद समाजवादी पार्टी जिस नई पटकथा को लिख रही है उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि अपर्णा यादव जो है वो आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम जरूर उठाने वाले हैं। और खबर है कि शिवपाल यादव अपर्णा को समाजवादी पार्टी में लेकर आएंगे। शिवपाल यादव कैसे अपर्णा को सपा में लेकर आएंगे और कैसे समाजवादी पार्टी पूरी आज बन रही है या समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, इस पर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। दरअसल आज की जो तस्वीर नजर आ रही है वो तस्वीर ये जाहिर तौर पर बता रही है कि समाजवादी पार्टी के मजबूत होने का सबसे प्रमुख कारण, समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रबल होने का कारण आज है पार्टी की एकजुटता, जिस समाजवादी पार्टी को एक करने में अपना वक्त निकाल दिया था। जी हाँ, किसने? मैं अगर बात करूँ मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव ने देखिए अपनी आधी जिंदगी परिवार को पार्टी को एक करने में निकाल दी। उनका आधा जीवन जो सफर रहा था वो राजनीति तक रहा, लेकिन जो आधी जिंदगी उन्होंने परिवार पार्टी को एक करने में निकाल दी वो हो ना पाया। लेकिन उनके निधन के बाद हम देख रहे हैं शिवपाल यादव की सपा में एंट्री हुई है, अपर्णा यादव की डिंपल यादव से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, प्रतीक यादव अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में एक नया बदलाव हम देखते नजर आते हैं। कि जो हालात इस वक्त बने हुए, जो परिस्थितियां, जो तस्वीर इस वक्त दिखती नजर आ रही है वो ये बहुत हद तक स्पष्ट कर रही है कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा बदलाव की ओर दिखता नजर आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जीतकर ये तो बता दिया कि जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शायद वोटर बटेगा, वोट बटेंगे, लेकिन ना वोटर बटा ना वोट बटा। और बहुत बड़े हद तक जो आज स्थिति हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, वोटर जो था वो वहाँ का वहाँ रहा। जैसे भाजपा का गढ़ गुजरात को बताया जाता है, गुजरात को भाजपा का गढ़ बोला जाता है, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी है। और मैनपुरी की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए मैनपुरी को गढ़ बोला जाता है। और बहुत बड़े हद तक मैं परिस्थितियों को देख रहा हूं, जो अभी के हालात हैं, जो अभी की तस्वीर है,
उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय वाकई क्या बदलाव की ओर है, आने वाला वक्त क्या वाकई बदलाव की तरफ दिखता नजर आ रहा है कि मौजूदा समय या मौजूदा परिस्थितियां जो है वो समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन कर रही है। देखिए, जनता ने यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा नहीं था, साथ बने रहे थे। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने प्रचार प्रसार किया या कैंपेन किया, उसका बड़ा फायदा मिलता रहा। देखिए, मैं मैनपुरी का जिक्र कर रहा था, मैनपुरी से कैसे समाजवादी पार्टी की किस्मत खुली है, ध्यान से सुनेगा। मैनपुरी एक ऐसी विरासत जिसको बचाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। इस विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा वक्त लगा दिया। इस विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हुआ भी भाई। अखिलेश यादव डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे थे, अखिलेश यादव शिवपाल यादव जनता के साथ लगातार मिल रहे थे, जनता के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे थे। तो देखिए, ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से उनका रुझान देखा जा रहा था जनता का, जनता जिस तरीके समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही थी, बहुत पहले से ये कह दिया गया था, बहुत पहले से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ से 100% जीतना है, तय भी दिखाई दे रहा था। क्योंकि मैनपुरी की जनता ये कह रही थी कि हम पहले भी रघुराज शाके के साथ नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। क्यों? इसके पीछे की एक वजह थी, क्योंकि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट यानी कि रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा था, जनता उस रघुराज शाक्य को नकार रही थी, जाहिर तौर पर नकारे भी की, क्योंकि वो खड़े किसके हुए खिलाफ, किसके खड़े हुए थे, नेताजी के खिलाफ खड़े हुए थे। नेताजी को एक तरफ अपना गुरु बता रहे थे और दूसरी तरफ की कहानी क्या थी कि भाई जनता ये कह रही थी कि एक गुरु के खिलाफ शिष्य कैसे खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरु के खिलाफ उतरना भारी पड़ गया। जी हाँ, किसको? गुरु के खिलाफ उतरकर सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं वो खड़ी कर ली थी रघुराज शाके ने। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है, अपने बूथ से हार गए, अपने जहाँ जहाँ से खड़े थे वहाँ से बूथ उनका वहाँ से हार गए, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या रही। रघुराज शाके ये कह रहे हैं कि उनसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है और वो कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस कर रहे, माफ़ी मांगते नजर आए। यानी कि जो मैं अभी की तस्वीर देख रहा हूँ वो ये है कि रघुराज शाके इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, रघुराज शाके इन चीज़ों को मान रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना आज बड़ा बदलाव हो रहा है, कितना आज परिवर्तन होता नजर आ रहा है। देखिए, ये वक्त वक्त की बात होती है और जब समय का पहिया बदलता है या समय का जब चक्रव्यूह चलता है तो कौन जाने कौन क्या बदलाव हो जाए या किस वक्त क्या कुछ हो जाए, कोई नहीं जानता। तो देखिए, वही मैं बात कर रहा था कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है ये कि रघुराज शाके जैसे नेता वापस समाजवादी पार्टी में आएंगे या डिंपल यादव अब तमाम किले शिकवे को भुलाकर सपा में आएंगे, लेकिन नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अपर्णा यादव की जो नज़दीकियां मैं देख रहा हूं कि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, वो बहुत बड़े हद तक ये बता रही हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है और क्या वाकई जिस तरह परिवार और पार्टी एक हो रही है, ये परिवार और पार्टी के एक होने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और ये जो ताकत है इसका बड़ा जो फायदा है वो पार्टी को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।